नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं छत्तीसगढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें केवल कन्वेंशनल पोर्शन ही संकलित किया गया है। कन्वेंशनल पोर्शन में आता है इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, संस्कृति आदि। आप इस वीडियो को दूसरे एग्जाम्स के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशनल पोर्शन सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन होता है। पहले शुरू करने से पहले हम इस देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। प्रशासनिक राजव्यवस्था से आते हैं एक या दो क्वेश्चन, समसामयिकी से भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं। छत्तीसगढ़ के समसामयिकी, जैसे कि किसका अपॉइंटमेंट हुआ या किसकी सरकार बनी इत्यादि। आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास, यानी कि यहाँ के लीडर्स का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, या कौन से प्लेसेस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा मॉडर्न हिस्ट्री में। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं से 3 से लेकर 5 क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ के वन और वन संसाधन से लगभग एक या दो या इससे एक 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ की नदियों से या जल संसाधन से 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। पंचायती राज और स्थानीय शासन से 2 या 4 क्वेश्चन। कला संस्कृति से 3 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में पूरे भारत से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। समसामयिकी से 5 क्वेश्चन, कला और संस्कृति से वही 3 से 4 क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास से 1 से 2 क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन, आधुनिक भारत से 6 या 5 या 6 क्वेश्चन, पर्यावरण से 6 क्वेश्चन, संविधान से या कहें पूरी पॉलिटी से लेकर 5 से लेकर 8 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में जिसमें मुख्यतः योजनाएं इत्यादि इंक्लूड होती हैं, उससे 8 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, विज्ञान से 5 से 6 क्वेश्चन और भूगोल से 5 से 8 क्वेश्चन तक रहते हैं। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में से सर्वाधिक भंडार किसका है? ऑप्शन है हेमेटाइट, बी है मैग्नेटाइट, सी सेडराइट, डी लेमोनाइट या लियोनाइट, और ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार हेमेटाइट का है। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, Fe2O3 इसका कंपोजिशन है। यह सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है, जिसमें धातु का अंश 72% तक होता है। दूसरा होता है हेमेटाइट Fe2O3, या दूसरा सबसे अच्छे किस्म का लोहा होता है, जिसमें धातु का अंश 60 से 70% तक होता है। भारत का अधिकांश लोहा इसी किस्म का है। तीसरा लियोनाइट या लिमोनाइट, इसका कंपोजिशन 2 Fe2O3 × 3H2O, इसे जल यौगिक लौह ऑक्साइड कहते हैं। इसमें 40 से 50% तक धातु का अंश पाया जाता है। चौथा सेडराइट Fe3CO3, इसको लौह कार्बोनेट भी कहते हैं। इसमें धातु का अंश 40 से 45% तक होता है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली खाने जो इम्पोर्टेंट है, वो है दुर्ग की डल्ली राजहरा खान, जो दुर्ग जिले में है, और बेलाडीला दंतेवाड़ा जिला में है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन दिया हुआ है 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1853 का चार्टर एक्ट, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़ दिया गया था, जिसे 1833 के चार्टर के द्वारा पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया, और कंपनी को केवल एक सिविल और मिलिट्री कार्यों के लिए छोड़ दिया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर थ्री, शिवाजी के अष्ट प्रधान में से निम्नलिखित अधिकारी थे? तो दिया हुआ है मजूमदार, दबीर, वाकनीश या वाकनवीस, चार सुरनीस। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है कूट बना के 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4 और ई 1 2 3 4। तो इसका ऑप्शन ई 1 2 3 4 सही है। शिवाजी के सलाहकार परिषद में अष्ट दिग्गजों को अष्ट प्रधान कहा जाता था। इसमें 8 लोग थे, पेशवा जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, दूसरा अमात, इसका दूसरा नाम मजूमदार था, तो ये सही हो गया। मजूमदार का काम था करों को इकट्ठा करना और उसका हिसाब किताब रखना। तीसरा बंदा था सचिव या सुरनवीस या सुरनीस, तो इसका काम राजा के पत्र व्यवहार और उसका ब्यौरा रखना होता है, तो ये भी सही हो गया। तीसरा मंत्री या वाकनवीस या वाकनीस, जो विभिन्न प्रकार की जानकारी रखता था और गुप्त सूचनाओं का सत्यापन करता था, तो ये इसका तीसरा भी सही हो गया। और चौथा आदमी था सुमंत या दबीर, यह इसका काम यह था कि अन्य राज्य के प्रतिनिधियों से वार्तालाप करना, उनका स्वागत करना और अन्य राज्यों में शिवाजी के प्रतिनिधि के रूप में जाना, तो ये चारों इसके सही हो गए। अन्य जो 8ों में अष्ट दिग्गज में और जो इंक्लूडेड थे वो थे सेनापति, जिनको सरनौबत भी कहा जाता था, इनका काम संपूर्ण सेना की देखरेख करना, पंडित राव या धर्मस, जिसका काम धार्मिक विषयों पर राजा को राय देना, और 8वां सदस्य था न्यायाधीश, जिसका काम न्याय देना था, तो ये इसके अष्ट दिग्गज थे। क्वेश्चन नंबर 4, फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, पहले क्वेश्चन देखते समय हम ये जरूर देख लें कि क्या पूछा सही है कि या सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम जल्दीबाजी में सही है समझ के गलती कर देते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से जरूर देख लें। तो पूछ रहा है चावल पश्चिम बंगाल, तो ये सही है, गेहूं उत्तर प्रदेश, ये भी सही है, कपास गुजरात, ये भी सही है, राई सरसों राजस्थान, ये भी सही है, तो कुल मिला के इसमें सारे सही हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए सोन घाटी नदी, बी महा नदी घाटी नदी घाटी, सी दामोदर नदी घाटी, डी गोदावरी नदी घाटी और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इससे ऑप्शन से सी दामोदर नदी घाटी सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं दामोदर नदी घाटी के आसपास ही मोस्टली आपको कोयला क्षेत्र मिलेंगे, तो ये यही पूछ रहा है कि कोयला के भंडार के इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा जाता है? ऑप्शन दिया है उत्तरी दक्कन पठार, बी दक्षिणी दक्कन पठार, सी पूर्वी पठार, डी पूर्वी घाट और ई इनमें से कोई नहीं। इसको ऑप्शन के हिसाब से बनाते हैं तो इसका ऑप्शन सी पूर्वी पठार सही हो जाता है। और आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें कि एसपी मुखर्जी या सॉरी एसपी चटर्जी भूगोल के प्रोफेसर थे जो 1964 से लेकर 1968 के बीच अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के अध्यक्ष रहे। इन्होंने ही पहली बार मेघालय शब्द का प्रयोग किया था, जिसके नाम पर मेघालय राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष को भारत के जनांकीय वर्ष का विभाजक वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 1901, बी 1921, सी 1951, डी 1971 या ई इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन बी 1921 सही हो जाता है।
1921 को महान विभाजक वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 के बाद से ही जनसंख्या में तीव्र ग्रोथ देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए 1901 से 11 के बीच जनसंख्या विकास दर 5.9% रही थी, जो 1911 से 21 में घटकर 0.39% हो गई थी। पर 1921 के बाद के दशक में विकास दर क्रमशः 11.1%, 14% और 3.5% की तीव्र गति से बढ़ती रही। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा देना सही था। अगला क्वेश्चन, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, यह संविधान में उल्लिखित है। दूसरा, यह प्रजातांत्रिक होता है। तीसरा, यह लोक कल्याणकारी होता है। चौथा, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। पांचवा, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो इस पांचों में से कूट बना के हमें आंसर देना है, 1, 2, 3, B, 1, 3, 5, C, 1, 4, 5, D, 2, 3, 5 और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आइए देखते हैं, यह संविधान में उल्लिखित है। हाँ, बिल्कुल सही है। इसका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है और यह भारतीय संविधान के पार्ट 3 में है। तो यह संविधान में उल्लिखित है, यह सही हो गया। यह प्रजातांत्रिक होता है, तो प्रजातांत्रिक होना, मूल अधिकार होना कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बहुत से देश हैं जो प्रजातांत्रिक तो हैं लेकिन वहाँ पे मूल अधिकार डिफाइन नहीं किए गए हैं। तो ये दूसरा गलत हो जाता है। अब इसका हो जाता है तीसरा, यह लोक कल्याणकारी होता है। तो यह भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट होती है तो अपने देश के लिए लोक कल्याणकारी बनाती है। तो मूल अधिकार का लोक कल्याणकारी होना कोई एक डेफिनेट बात नहीं है। चौथा, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे आप देख सकते हैं आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव विद डिग्निटी इत्यादि का उल्लेख है। तो आप कह सकते हैं यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। पांचवा, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो वैसे तो संसद इसके विरुद्ध कानून बना सकती है, लेकिन कोई ऐसा कानून बना के इसे ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि इससे मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जो जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देगी। तो संसद इसे पूर्णतः ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये पांचवा सही होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 1, 4, 5 सही, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वय स्वविवेकी शक्तियां हैं? तो आइए देखते चलते हैं। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। तो जो भी दल बहुमत से में आएगा उसके दल को प्रधानमंत्री नियुक्त करना राष्ट्रपति की प्राथमिकता हो जाएगी। तो यहाँ पे स्वविवेक नहीं यूज हो रहा है उसका। संसद का अधिवेशन बुलाना, जैसा ये तो उल्लेखित ही है संविधान में कि वो किसी लोकसभा के गठन के बाद संसद का अधिवेशन बुलाएगा। तो ये भी वहाँ पे भी स्वविवेक नहीं यूज हो रहा है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना। हाँ, यहाँ पे राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का यूज करते हुए अगर उसको लगता है कि किसी विधेयक में कुछ गलतियाँ हैं जिनको सुधारा जाना चाहिए, तो वह पुनः विचार के लिए संसद को वापस भेज सकती है। तो यहाँ पे वह अपने स्वविवेक का यूज करता है। चौथा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। तो नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की एडवाइस पे करता है। तो यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है। पांचवा, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना। तो यहाँ पे भी नहीं होना, क्योंकि कोई भी विधेयक पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की एडवाइस पे ही काम करेगा। तो यहाँ पे भी उसका स्वविवेक नहीं है। किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विधेयक को राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के द्वारा यूज करके अपने
उसके पास जो वीटो पावर्स हैं लाइक एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, उसका यूज करके वो किसी विधेयक को रोक सकता है, डिले कर सकता है, तो ये उसकी स्वयं शक्ति में इंक्लूड होता है। तो 3-6, अब देखते हैं सातवां, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। तो अगर किसी समय राष्ट्रपति को लगता है, उसके स्वविवेक से उसको लगता है कि उसको कुछ जानकारी चाहिए, तो उसके लिए प्रधानमंत्री से मांग सकता है, तो सातवां भी सही हो जाता है। आठवां, किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। तो किसी को पुनर्विचार हेतु कहना तो स्वविवेक की ही बात होगी, तो ये आठवां भी सही हो जाता है। तो इसके हिसाब से जो कूट बनेगा 3, 6, 7, 8, यानी ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालू लेखा घाटा क्या है, यानी सीएडी क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, बैंकों में खोले गए चालू लेखा में जमा राशि से अधिक आहरित कर लेना, बी चालू वर्ष में सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय से होने वाला घाटा, ये भी गलत है, सी देश के कुल निर्यात से कुल आयात का अधिक होना, ये सही है। जब कोई देश अपने कुल निर्यात से कुल आयात अधिक कर लेता है तो उसका राजस्व चालू लेखा घाटा, सॉरी चालू लेखा घाटा बढ़ जाता है। इसको कम करने के लिए फिर उस देश की सरकार कुछ स्टेप लेती है, जैसे निर्यात को प्रोत्साहन देना, व्यापारियों और किसानों को टैक्स में छूट देना, आयात पर ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाना, या एक्सट्रीम स्टेप में वो अपनी करेंसी को अवमूल्यित कर सकती है जिससे बाहर से खरीद महंगी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी है, आय का असमान वितरण, दो उच्च निर्भरता दर, तीन राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, चार बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो यहाँ देखते चलते हैं, आय का असमान वितरण भारत में देख ही सकते हैं कि जो गरीब है वो गरीब है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है, तो आय का असमान आय की असमानता है, तो भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में काउंट होता है। दूसरा उच्च निर्भरता दर, भारत की जनसंख्या और उसका निर्भरता दर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी सही हो जाता है। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, जैसा कि हम देख सकते हैं भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसकी राष्ट्रीय आय में 7+ की गति से विकास कर रही है, तो ये यहाँ पे ये नहीं इंक्लूड होगा। चौथा बैंक या वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, आप देख ही सकते हैं बैंक और वित्तीय क्षेत्र कितनी बुरी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, तो ये 1, 2, 4 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है। ऑप्शन दिए हुए, कर्म योग, बी ज्ञान योग, सी भक्ति योग, डी निष्काम योग और ई अस्पर्श योग। तो इसका आंसर डी निष्काम योग सही होगा। कहीं कहीं पर कर्म योग भी देता है, तो कर्म योग निष्काम कर्म योग के अंदर निहित माना जाता है, तो निष्काम कर्म योग गीता की मुख्य शिक्षा है। आगे देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा एक दारा सिकोह की रचना है। ऑप्शन दिया हुआ है, तबकाते नाशरी, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, मजमूल बहनैन या सिर्रे अकबर। तो यहाँ पे बताते चलें कि यहाँ पे दो किताबें मजमूल बहनैन और सिर्रे अकबर दोनों ही दारा सिकोह की रचना है, लेकिन अगर वर्ड के आधार पे कहा जाए तो मजमूल बहनैन नहीं, वो मजमूल बहरीन है, तो अगर इसके आधार पे इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर डी ही माना है, लेकिन अगर इसको बहनैन मानते हैं तो ये भी सही हो जाएगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सिर्रे अकबर और मजमूल बहन दोनों बहनैन दारा सिकोह की रचनाएं हैं। तबकाते नासरी मिन्हासे सिराज की रचना है, किताबुल हिंद और तहकीक हिंद अलबरूनी की रचना है। आगे देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है।
ऑप्शन है ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी मोक्ष, ई भक्ति। तो चार्वाक के अनुसार काम जो है सर्वोच्च मूल्य है, और चार्वाक के सिद्धांत के में को आप जानते ही होंगे, उन्होंने ही कहा था कि कर्ज लेके घी पियो। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है चना, मटर, सेम, धान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें कि जितने लेग्यूमिनस प्लांट हैं जैसे चना, मटर, सेम, ये तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जबकि धान नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। धान धान के खेत से मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है, ये याद रखें। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में फिर दिया हुआ है क्वेश्चन, ए सौर ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है, बी सौर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, सी सौर ऊर्जा क्षय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और डी प्रकाश ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, या ई इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जो फूड के रूप में हमें मिलती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के नए चेयरमैन निम्न में से कौन है? हालांकि ये पुराना क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अभी भी इसरो के चेयरमैन के सिवान ही हैं, एस कुमार, एस किरण कुमार उससे पहले के चेयरमैन थे, तो ऑप्शन सी के सिवान सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई? ऑप्शन है मार्च 15, मार्च 16, मार्च 14, डी दिसंबर 15, या ई इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि सागरमाला परियोजना की शुरुआत मार्च 2015 में की गई थी। इस परियोजना के तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रणनीतिक और ग्राहक उन्मुख बनाना था। आगे देखते हैं, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं, वेवल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, और चौथा आज़ाद हिंद फौज मुकदमा या INA ट्रायल। तो आइए हम इसका कालक्रम देख लेते हैं। वेवल योजना 1945 में ही हुई थी, सही है। शिमला कॉन्फ्रेंस भी 1945 में हुआ। नौसेना विद्रोह की घटना 18 फरवरी 1946 को हुई, तो ये तीसरा नहीं होगा। तो चौथा आज़ाद हिंद फौज मुकदमा, ये 1945 में ही हुआ था। तो इसके हिसाब से आंसर बनेगा 1, 2, 4, यानी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, ए संथाल विद्रोह, पूछ रहा है 1857 के पश्चात यानी आफ्टर 1857, तो संथाल विद्रोह जिस जो 1855 में हुआ था, शुरू हुआ, तो ये तो नहीं होगा। फिर नील क्रांति, इसकी शुरुआत बंगाल से 1859 में हुई थी, तो ये तो सही है। तीन दक्कन के दंगे, तो इन दक्कन के दंगे 1875 में हुए थे, ये भी सही है। बिरसा मुंडा का उठाव, ये 1899 से लेके 1900 में हुआ था, तो ये तीनों 2, 3, 4 ये सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? ऑप्शन दिया हुआ है मुंडीगा, मेहरगढ़, दम्ब सादत, बालकोट और आमरी। तो यहाँ पे मेहरगढ़ सही होगा। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, मेहरगढ़ आज पाकिस्तान में पड़ता है, जबकि
कोलडीहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन पढ़िए। कथन है एक, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। दूसरा, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। तीसरा, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। इसके हिसाब से उत्तर चुनना है। तो बताते चलें कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये सही, बिल्कुल सही है। ये दूसरा, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना नहीं की थी। देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना विशाख दत्त ने की थी। विशाख दत्त की अन्य रचना थी मुद्रा राक्षस। तीसरा, वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था। बिल्कुल, उसने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था, और उसी प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर लोगों ने बाद में ये कहा कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। अगला क्वेश्चन, कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? दिया हुआ है अन्नामलाई, बूंदी, पालनी, अमरकंटक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी सही हो जाएगा। कोडाईकनाल पालनी पहाड़ियों में स्थित है, यह तमिलनाडु में पड़ता है और एक दर्शनीय हिल स्टेशन है। आगे क्वेश्चन, जनजाति दिए हुआ है और उनको उनके स्थान से मिलाना है। तो संथाल जनजाति, जैसा अभी आपने पढ़ा आगे पिछले क्वेश्चन में देखा था, संथाल एक विद्रोह हुआ था तो ये झारखंड में हुआ था। तो ये ऑप्शन सी। अब इसके हिसाब से ऑप्शन बनाना शुरू करेंगे। तो पहले का तीसरा केवल एक ही है, तो उस हिसाब से सही हो जाएगा। बाकी चीज़ें में मिला देते हैं। भील जनजाति राजस्थान की बहुत बड़ी जनजाति ट्राइब है। टोडा तमिलनाडु में पाए जाते हैं और जारवाज अंडमान में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक से जुड़ी वीडियो की ज़रूरत है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वो स्टडी मटेरियल वीडियो के थ्रू उपलब्ध करा देंगे। हम आगे छत्तीसगढ़ PCS की तैयारी से जुड़ी और भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं। उसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें सभी परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी व अध्ययन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।